हमारे जो सी क्षेत्र है उसका टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म काफी तेजी से बढ़ा और कई गुना हुआ है। एक जमाना था जब लोग विदेश के स्थानों पर टूरिज्म के लिए जाते थे, आज चाहे वो कश्मीर हो, चाहे अंडमान निकोबार का हैवलॉक शहीद द्वीप हो, चाहे लक्षद्वीप का सुंदर विश्व के पहले द्वीपों में से गिने जाने वाला द्वीप हो, आज घरेलू टूरिज्म भी उस ओर अट्रैक्ट हुआ है और इंटरनेशनल टूरिज्म भी उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, उनकी प्लानिंग है, उनके द्वारा किए गए काम है, उससे एक बहुत बड़ा माहौल बना है। आप खुद आप कश्मीर में देखिए कि आज कश्मीर के किसी भी होटल में आपको कमरा नहीं मिल रहा, हर जगह वेटिंग लिस्ट है। आप चाहे बोट वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, चाहे होटल वाला हो, और चाहे वो कश्मीर हो, और चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे कोची हो, और चाहे वो लक्षद्वीप हो, और चाहे भारत के अन्य राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत के अलग अलग सामाजिक आस्था केंद्रों और द्वीप हो या पहाड़ हो, सब जगह टूरिज्म कई गुना बढ़ा है और अब ये काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत विश्व के अंदर इंटरनेशनल टूरिज्म कैपिटल के रूप में। सर बदरुद्दीन अजमल है जो AIIDF के MP है, उनका कहना है कि 20 से 26 तक जो है मुस्लिम को बाहर नहीं निकलना है, क्या कहेंगे? 7 दशक और 4 पीढ़ियां गांधी नेहरू परिवार ने श्री राम जन्मभूमि के खिलाफ लगाई और भ्रम और द्वेष पैदा करने की छद्म धर्म निरपेक्षता के नाम पर वोट बैंक की राजनीति, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली हमारी सरकार का ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। पूरा देश शांत है और राम जन्मभूमि मंदिर पर प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जाकर वहाँ शुभारंभ कराने जा रहे हैं। केवल भ्रम पैदा करने वाले लोग भ्रम पैदा करते हैं। कांग्रेस के यूपी के नेता भी अब राम मंदिर जाने की तैयारी में है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से आज भी कोई लफ्ज नहीं आया। आपको लगता है कि उनको समझ आनी चाहिए इस बारे में? विश्व के करोड़ों लोगों के लिए आराध्य हैं भगवान राम। राम नाम लेवा लोग पूरे विश्व में है और 450 साल का वनवास, राम जन्मभूमि पर मंदिर में दोबारा वहां पहुंचना, ये 450 साल लगे और एकदम शांतिप्रिय अदालत ने निर्णय लिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह एक इतनी बड़ी समस्या का हल निकाला है, मैं उनको सलूट करता हूं और बहुत अद्भुत कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा है और भगवान राम के मंदिर के दरवाजे सब खुले। हमने देखा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे जिस तरीके से अटैक हुआ है बंगाल में, और भी किसी राज्य में ऐसा लगता है कि हो सकता है? आप कैसे देखते हैं ये? जो ऐसा है कि कुछ परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी, कुंठित नेता अपने